नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, एरिया वाइज रैंक ऑफ हिमाचल इन इंडिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का कौन सा स्थान है। चार ऑप्शन दी गई है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 17वां रैंक है क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का पूरे इंडिया में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है वो टोटल इंडिया के एरिया का कितना परसेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल इंडिया के एरिया की अगर बात की जाए तो उसका 1.69% जो है वो हिमाचल प्रदेश कवर करता है, 1.69%। और इसके रैंक वाइज बात की जाए तो रैंक जो है इंडिया का हिमाचल का वो है 17वां रैंक। अच्छा, सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है, पहले रैंक पर कौन सा है, तो पहले रैंक पर है राजस्थान। राजस्थान जो है वो सबसे अधिक एरिया कवर करता है और हिमाचल का रैंक है 17वां रैंक। हिमाचल का टोटल एरिया कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल का जो टोटल एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे इंडिया का 1.69% जो है वो कवर करता है। तो बेसिक्स आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश के एरिया के बारे में, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य लॉन्च्ड ऑन, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब शुरू हुई। देखिए इस योजना को जो है सौभाग्य योजना भी कहा जाता है। तो ये लॉन्च हुई थी 2017 में, ऑप्शन बी 2017 जो है वो सही आंसर है। 2017 में ये सौभाग्य योजना लॉन्च की गई थी। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सौभाग्य योजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये सौभाग्य योजना जो था वो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये तो हो गया सौभाग्य योजना के द्वारा। एक और इम्पोर्टेंट योजना है जिसके बारे में पहले मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये योजना जो था वो कब लॉन्च की गई थी, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है वो 2014 ईस्वी में लॉन्च की गई थी। तो इन दो योजनाओं के बारे में आप याद रखिए, एक तो हो गया सौभाग्य योजना और दूसरा हो गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये दोनों ही योजनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री, देओली फिश फार्म वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन, देओली फिश फार्म की स्थापना कब हुई। अब क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1961-1962 में जो था वो देओली फिश फार्म की स्थापना हुई थी। अच्छा, ये देओली फिश फार्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्म है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहले तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता था कि देओली फिश फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि देओली फिश फार्म जो है वो कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, तो ये अड़ी खड्ड के किनारे स्थित है देओली फिश फार्म। ये अड़ी जो है ये सतलुज की सहायक नदी है, तो ये भी आप याद रखें कि अड़ी किसकी सहायक नदी है, अड़ी खड्ड जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। और इस देओली फिश फार्म की स्थापना 1961-62 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, सरवालसर लेक इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ, सरवालसर लेक जो है वो कौन से दर्रे के ऊपर स्थित है। चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जलोरी पास। जलोरी दर्रे के टॉप पर स्थित है सरवालसर लेक। अच्छा, अब ये सरवालसर लेक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जलोरी दर्रे के टॉप पर स्थित है, तो ये सरवालसर लेक कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। सरवालसर लेक जो है वो कुल्लू में स्थित है, ये याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है सरवालसर लेक। और ये जलोरी दर्रा कहाँ पर स्थित है, जलोरी दर्रा जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही स्थित। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सरवालसर लेक और जलोरी दर्रा। अच्छा, बात डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, उन सभी झीलों को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है भृगु झील, दसहर झील, सरिताल झील, व्यासकुंड, मंतलाई झील, द्योरी झील और हंसा झील। ये सभी झीलें जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित हैं। इन लेक्स के नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, झांकी एंड हंतार आर फोक डांसेज ऑफ, झांकी और हंतार कहाँ के नृत्य हैं। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है किन्नौर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी चंबा। चंबा के फेमस फोक डांसेज हैं झांकी और हंतार। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट चंबा का गठन जिले के रूप में हुआ था 15 अप्रैल 1948 में। डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया है 6,528 स्क्वायर किलोमीटर। नरसिंह टिब्बा गौरीदेवी का टिब्बा डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम, इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गैमग्यूल सेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पर्वतीय ग्रामीण बैंक डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और पर्वतीय ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाथीदार डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। दीपक और धांगी फेमस डांसेज हैं चंबा के। महाकाली लेक, सतधार वाटरफॉल, सुकेती सॉन्ग, कुंजड़ी कुंजवा सॉन्ग्स, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के सॉन्ग्स हैं। बेरा चूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। चकली फेमस कॉइन है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। और दो फोक डांसेस हमने आज डिस्कस किए, वो है झांकी और हंतार, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के फेमस डांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हु फाउंडेड सिरमौर डांस स्टेप। सिरमौर की स्थापना किसने की? आपके पास चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, रसालू। राजा रसालू के द्वारा स्थापना की गई थी सिरमौर की। अच्छा, राजा रसालू ने सिरमौर की स्थापना की थी। अब बात सिरमौर की हुई है, सिरमौर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का टोटल एरिया है 2,825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। सिरमौर की स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी और सिरमौर की हिस्ट्री में सिरमौर का असली संस्थापक कहते सुभंस प्रकाश को माना जाता है, जिन्होंने 1195 में राजभवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी की स्थापना 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा की गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी राजभवन से कलसी को शिफ्ट की थी। सुमेर प्रकाश ने रतेश को अपनी राजधानी बनाया था। सूरज प्रकाश ने कलसी को अपनी राजधानी बनाया था और राजा बुद्धि प्रकाश ने जो था वो राजपुरा को अपनी राजधानी बनाया था। वीर प्रकाश ने जो था वो हाटकोटी अपनी राजधानी बनाया था और हाटकोटी में इन्होंने रावणगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1379 में सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे। औरंगजेब ने कलनखार और सराहनपुर के एरिया जो थे वो भेंट किए थे सुभंग प्रकाश को। जब गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए थे तो उस समय मेदिनी प्रकाश सिरमौर के राजा थे। पीच वैली, क्यादादून वैली, पनौटा वैली सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजा जाते हैं और सिरमौर को शिमला सुब्रिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमीशन के अंडर 1886 में किया गया था। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। ढांगरा डांस सिरमौर के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हर फॉक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अंतिम राजा थे सिरमौर के। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है सिरमौर के बारे में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन सभी क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कैपिटल ऑफ जसवा स्टेट वॉज एट, जसवा की राजधानी कहाँ थी? आपको चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जसवा की राजधानी जो थी वो थी राजपुरा में। अच्छा, राजपुरा में जसवा की राजधानी थी। अब जसवा के बारे में बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में जसवा जो है वो ऊना तहसील के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना जो थी वो कटोच वंश के राजा पूर्वचंद ने 1170 ईस्वी में की थी। जसवा की राजधानी राजपुरा में थी और जसवा जो थी वो अकबर के समय में मुगलों के अधीन आ गई थी और जसवा के एक राजा थे अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद ने दो बार मुगलों के खिलाफ जो था वो विद्रोह किया था। जसवा के राजा उमेद चंद ने गोरखाओं का साथ दिया था कांगड़ा के राजा संसार चंद के खिलाफ और जसवा 1815 में सिखों के कब्जे में आ गया था। और 1848 ईस्वी में जसवा के राजा उमेद सिंह ने सिखों का साथ दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने में। अच्छा, इतना तो आप याद रखिए जसवा के बारे में। अंत में जो था वो जसवा के राजा उमेद सिंह को जो था वो अल्मोड़ा भेज दिया गया था अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके। तो ये बेसिक सा आप जसवा के बारे में याद रखिए। जसवा रियासत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रियासत है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भटियात एजिटेशन टुक प्लेस इन भटियात आंदोलन कब हुआ? आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1895 में जो था वो भटियात आंदोलन हुआ था। अभी भटियात आंदोलन आपके पास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भटियात आंदोलन हुआ कहाँ पर था? ये आंदोलन जो था वो हुआ था चंबा में। याद रखिए, चंबा में ये आंदोलन हुआ था और उस समय चंबा के राजा कौन थे जब ये भटियात आंदोलन हुआ था? तो उस समय चंबा के राजा जो थे वो थे राजा श्याम सिंह और राजा श्याम सिंह के वजीर थे गोविंद राम। और गोविंद राम के प्रशासन में किसानों पर भूमि लगान जो था वो बहुत अधिक मात्रा में लगाया जाता था। किसानों का जो था वो बहुत अधिक शोषण जो था वो इस वजीर गोविंद राम के द्वारा किया जाता था। तो उसी लिए इन किसानों ने जो था एक आंदोलन किया था, इस आंदोलन का नाम पड़ा था भटियात आंदोलन। तो ये बेसिक सा आप इसके बारे में याद रखिए कि ये कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था और उस समय के राजा कौन थे, वजीर कौन थे।
अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को याद रखेंगे तो ये मेंस के प्रस्पेक्टिव से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और प्री के प्रस्पेक्टिव से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ पेंटिंग डील्स विद द नायक नायिका थीम ऑफ रसिक प्रिया ऑफ केशवा दास। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला कलम केशव दास की रसिक प्रिया नायक नायिका प्रसंग के बारे में है। देखिए क्वेश्चन जो है मैंने लाइव सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था। लाइव सेशन जो है वो 9 बजे डिस्कस किया जाता है और इस सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। इस सेशन में लाइव हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी अर्की। अर्की जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन जो है नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछा गया था, जो लास्ट टाइम नायब तहसीलदार का एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन एनटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो अर्की पेंटिंग की बात करते हैं। तो कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद ने बागल की राजधानी होती थी अर्की, तो अर्की कमल का विकास किया था कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद ने। और ये नायक नायिका जो है ये अर्की से संबंधित है। ये तो आप अर्की के बारे में याद रखिए। पेंटिंग की बात हुई है तो कांगड़ा पेंटिंग की सबसे पहले बात आती है। कांगड़ा पेंटिंग की खोज सबसे पहले की गई थी मेटकॉफ के द्वारा और कांगड़ा पेंटिंग का जन्म जो है वो हुआ था गुलेर कलम से। गुलेर के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनके नाम थे सेऊ मनकू नैनसुक। और चंबा पेंटिंग की बात की जाए, चंबा पेंटिंग का विकास जो था वो राजा राज सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था। चंबा के प्रसिद्ध पेंटर हैं निक्का और चंबा जो है, चंबा का जो रंग महल है वो राजा उमेद सिंह के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। निक्का, रांझा, छज्जू, हरकू ये सभी जो हैं निपुण एक अच्छे पेंटर थे राजा राज सिंह के दरबार के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पेंटिंग से रिलेटेड याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर इज सुरगानी सुंडला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर इज सुरगानी सुंडला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सुरगानी सुंडला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो सुरगानी सुंडला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्थित है चंबा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये सियूल नदी के ऊपर बना हुआ है। सियूल जो है वो रावी की सहायक नदी है। अच्छा, बात हुई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। बुधिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चंबा में स्थित है, 70 मेगावाट का है, रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। बेरासियूल चंबा में स्थित है, 1981 में ये बना था। साइंग कोठी 15 मेगावाट का है, चंबा में स्थित है। देवी कोठी 16 मेगावाट का है और ये चंबा में बना हुआ है। हेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चंबा में बना है और ये 18 मेगावाट का है। सुरगानी सुंडला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चंबा में स्थित है, सियूल नदी के ऊपर बना हुआ है और 48 मेगावाट का है। रायसेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 18 मेगावाट का है और ये कुल्लू में स्थित है। पतसरी प्रोजेक्ट नदी के ऊपर बना हुआ है और ये 16 मेगावाट का है, ये मंडी में स्थित है। और पोंग डैम कांगड़ा में स्थित है, 396 मेगावाट का है। कोल डैम 800 मेगावाट का है और ये बिलासपुर में स्थित है। अच्छा, कोल डैम में टोटल नंबर ऑफ टर्बाइन्स हैं 4। कच्छम वांगटू परियोजना किन्नौर में स्थित है और ये 1000 मेगावाट की है। बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कांगड़ा में स्थित है। सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कुल्लू में स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज़ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। हिमाचल के किस जिले में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है? आपको 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं और लाइव सेशन जो है वो शाम को 9 बजे कंडक्ट किया जाता है। लाइव सेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।